चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधि। हाँ जी, हाँ जी। वी द पीपल समण संघ के सभी सदस्यों को जय भीम नमो बुद्धाय। समण संघ में कोई सदस्य नहीं बनाया जाता। जन्म जात जो समण संघ में पैदा हो गया वह समण संघ का सदस्य बन जाता है। इसमें ना कोई चंदा लेता है, ना देता है, ना कोई रसीद काटता है। इसमें सभी सदस्य बराबर होते हैं। सभी लोग नीचे बैठे हैं तो नीचे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पे बैठते हैं। अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो पैसे शेयर कर लिए जाते हैं। इसमें ना कोई राजनीति करता, ना कोई मुखिया या प्रधान नहीं होता। हमारा नेता केवल संविधान है। अगर कोई राजनीति में जाना चाहे तो छोड़ के जा सकता है, लेकिन संघ नहीं जाता। एक सिंपल सा काम है, जोड़ना है, जुड़ना है, जीतना है। बाबा साहब ने शिक्षित कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन शिक्षित तो हम लोग बन गए, लेकिन संगठित नहीं हुए, संघ में नहीं आए। क्योंकि कैसा भी काम हो, बिना इकट्ठा हुए संख्या बल बिना संभव नहीं है। ताजा उदाहरण किसान भाइयों का है। सभी संगठन एक संघ में आके शांतिपूर्वक आंदोलन किया और जीत गए। 2 अप्रैल का भी एक उदाहरण है। तो सभी संघ में आए और अपना एक अधिकार बचाया। हम 70 साल तक संघ में नहीं आए क्योंकि हम 6,743 जातियों में बटे हुए हैं। 29 लाख संगठन अपने हैं और एक्टिव 4 लाख संगठन में जुड़े हुए हैं। जातिवाद मुख्य हमारा कारण है। अगर ये 29 लाख संगठन संघ में आ जाएं तो हमारा जीतना तो अवश्य ही है। हमको जोड़ना व जुड़ना व जीतना है। जानवरों से भी हमें सीख लेनी चाहिए। जैसे जानवर जंगल में भैंसों का झुंड एक साथ रहता है, शेर उन पे कुछ नहीं कर सकता झुंड में रह के। मधुमक्खियां भी इकट्ठी रहती हैं, उनके पास कोई नहीं जा सकता क्योंकि उनके पास जाए तो चींटियां भी काटती हैं। वैसे ही सभी परिवार के सदस्य पहले के टाइम में 4 भाई बहन एक साथ रहते थे, पूरा गांव उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। ये हमारे पूर्वजों भी संघ में कबीले की जैसे रहते थे तो सभी एक साथ रहने से किसी को कोई कष्ट नहीं होता था। किसी को ये नहीं पता कि आने वाली पीढ़ियां को कैसे बचाया जाए। अगर हम सभी समण संघ में आ जाएं तो अपने आने वाली पीढ़ियों को बचा सकते हैं। जैसे सिख वे मुस्लिम भी संघ में रहते हैं, संघ में रहने से सभी जीतते हैं। ईसाई भी संघ में रहते हैं और संघ में रहने से ही सभी की जीत होती है। ये अपना संघ आज हमारे हित का सबसे अच्छा तरीका है। अगर ये कार्य मुहिम आजादी के बाद से ही शुरू कर देते तो आज हम कहाँ होते। फिर भी हमें देर नहीं हुई है, अभी भी जितना जल्दी जुड़ेंगे, जोड़ेंगे, जीतेंगे और संघ में आएंगे तभी हमारी जीत होगी। जब जागो तभी सवेरा। जय भीम नमो बुद्धाय। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। गच्छामि।
Sangam Sarnam Garchami.